ऐसी कोई भी चीज नहीं जो खुद ना बने वो। हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड योर फ्लो। और हो चुकी है अभी सुबह और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उठ गए होंगे। तो एक घंटा सफलतापूर्वक बर्बाद करने के बाद में मैं अपने ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ और ये व्लॉग शूट करना शुरू किया है। तो सबसे पहले दिन के टास्क डिसाइड करने हैं, और पहले मुझे रिमोट के लिए सेल्स लेने जाना है, तो पहले वो ले आता हूँ। फिर उसके बाद वर्कआउट करना है, हल्का सा वही तगड़ा वाला वर्कआउट बताऊँगा, अभी आपने पहले भी देखा हुआ पिछले व्लॉग में, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमने निकाले रिमोट के पिछवाड़े से इसके सेल, और हम अब डालने वाले हैं इसके अंदर एक नए तरह के सेल। और अब इसका पिछवाड़ा चार्ज हो चुका है और ये हमारा काम डन हो गया। और ये मेरी सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने वाली एक्सरसाइज फिर से शुरू। मेरी सीढ़ियाँ भी किसी दिन निकल छोड़ के भाग जाएगी मेरी वजह से, ऐसा लगने लगा है। और ये हमारे घर पे टेस्टी पोहा बना है ब्रेकफास्ट में, खा के देखते हैं। तो दोस्तों, आज के कुछ टास्क पूरे हो चुके हैं, जैसे कि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और ब्रेकफास्ट वाला भी पूरा हो चुका है, और मैं भी नहा धो के फ्री भी हो चुका हूँ। और अभी मेरे को पढ़ना है। अब मेरे को क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूँ आपको। तो आज है 30 अगस्त और मेरी सारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। तो जल्दी जल्दी से राखियाँ भेज दो, राखियाँ नहीं तो हैप्पी रक्षाबंधन ही बोल दो। और जल्दी से कोई अच्छी सी भाभी ढूंढ कर लाओ हमारी, मतलब आपके लिए। और छालों की वजह से मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं कल भी ब्लॉग नहीं बना पाया, पर हाँ आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। कुछ वर्ड्स ऐसे लगेंगे जैसे कि मैं थोड़ा दुबला सा बोल रहा हूँ, क्योंकि जीभ पे छाले हो रहे हैं, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, मतलब मुझे शब्द निकल जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फिलहाल गाइस, मैं कर रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट का काम। हमारे कॉलेज में ऐसे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और मैं यही कर रहा हूँ, कुछ काम का काम नहीं कर रहा, यही फालतू कर गति कर रहा हूँ बैठ के। और बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत का काम है, पर इसका कुछ मिलने वाला है नहीं मेरे को, पर फिर भी क्या करें, नल्ले लोग हैं। तो देखो गाइस, मेरे लिए स्पेशल कचौरी आई है राखी के दिन। वैसे राखी के दिन मेरे लिए नॉर्मल दिनों की तरह ही होता है, तो फिर भी इंजॉय तो कर सकते हैं, तो इसको खा के देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बैठा बैठा कल लोनली फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अकेला सा फील कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस में था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं लोनली फील नहीं कर रहा, मैं बहुत बोर्ड फील कर रहा हूँ, बहुत बोरिंग सा लग रहा है। और इसके पीछे वजह ये है कि मैं बहुत नल्ला था, और नल्ला होने की वजह ये है कि मैं बहुत आलसी हूँ, आलस की वजह से मैं कुछ कर नहीं रहा था, और उस वजह से मैं अकेला फील कर रहा था, बोर्ड फील कर रहा था। और मैं ब्लॉग्स वगैरह भी शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ब्लॉग शूट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और मेहनत वगैरह भी लगती है, और उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे कुछ टाइम से। और मैं कंसिस्टेंट भी इस वजह से नहीं था, और अभी भी इतने नहीं हूँ। और पढ़ाई भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी है और किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा सामने, तो मैं कन्फ्यूज था बहुत। और इस वजह से मैं बिल्कुल नल्ला बैठा हुआ था और आलसी फील कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं करता। और अभी मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि मैं कैसे कुछ करूँ, मतलब बैठा ना रहूँ, आलस को दूर करूँ, और वही कोशिश मेरी जारी है। और थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा हूँ मैं इस पर, नई नई हैबिट्स लगा रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह की हैबिट तो डाल रहा हूँ, पढ़ाई की भी तक शुरू भी नहीं हुई ढंग से, और अब वो भी शुरू हो जाएगी क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कुछ, अब बाकी देखते हैं। और इस वीडियो पे भी शायद इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि पता नहीं चैनल डेढ़ सा हो गया है, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी तो इसलिए। पर हाँ, उम्मीद है कि कभी तो व्यूज़ पहले जैसे आएंगे जब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हैप्पी राखी टू ऑल, थैंक यू।